कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि मेरे इस बीमारी पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। मैं इनमें लीन बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया, ना मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर आपको उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया है। अचानक एहसास होता है कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू कर लेने की गलत फहमी लिए इस हड़बोंग सहम और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बे इंतहा दर्द हो रहा है। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना कोई सांत्वना, ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है, बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ। और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे, ना अस्पताल और ना स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वो वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन ने कहा कि केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरी एक एक कोशिश में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है या नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं, एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझमें प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही हैं। अंकुरित होकर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हों।